सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिसके बाद आप देख सकेंगे मेरे सारे वीडियोस तुरंत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं नितिन आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके, और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रिक केतली को कर सकते हैं उसका ऑटो कट ऑफ, मतलब हमेशा के लिए बंद। होता क्या है दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रिक कोई भी केतली खरीदते हैं और उसमें कोई भी चीज़ फ्राई करना चाहते हैं या फिर पकाना चाहते हैं, कोई सब्जी या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसमें हमें ऑयल को गर्म करना होता है, तो उसमें ऑटो कट सिस्टम लगा होता है जो कि तुरंत का तुरंत थोड़ा सा भी हीट होता है और वो तुरंत का तुरंत बंद हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी इरिटेटिंग है और ये हरदम का हरदम बंद हो जाती है, और फिर 5 से 10 मिनट वेट करो तब जाके ये फिर से काम करना चालू करती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था अपने इस इलेक्ट्रिक केतली के अनबॉक्सिंग रिव्यू टेस्ट का, शायद आपने देखा होगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको पूरा प्रोसीजर, आपको किस तरीके से करना है, बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि यहाँ पे वायर्स भी हैं और कई सारे पेंच भी हैं, सबको आपको ओपन करना है। और हर इलेक्ट्रिक केतली का डिज़ाइन अलग होता है, तो उस हिसाब से आप अपने कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट से इन तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और मज़ेदार हेल्पफुल वीडियोस के लिए जो कि मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए फटाफट करते हैं इसे फिक्स, लेट्स गो। तो दोस्तों ये है मेरी केतली, यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में 3 स्क्रूज लगे हैं जिसे हमें करना है ओपन। तो यहाँ पे मैंने स्क्रूज को अनस्क्रू कर लिया है और यहाँ पे 3 स्क्रू मैंने यहाँ बॉटम से निकाले हैं, और अंदर के साइड यहाँ पे 3 बोल्ट ये छोटे साइज के लगे थे जिसको मैंने केयरफुली यहाँ से निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी मशीन लगी है और कई सारे वायर हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये सारा कुछ है मैकेनिज्म जिसके जरिए कोई भी इलेक्ट्रिक केतली ऑटो कट बंद होती है, तो इसी को हमें करना है बंद। और ये है बॉटम जिससे कनेक्ट होता है हमारा बेस कनेक्शन के लिए। यहाँ पे इसका सारा सिस्टम और मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप गोल गोल दो सर्कल में 2 मेटल के पार्ट लगे हैं जो कि कॉपर का बना होता है। होता क्या है, जब एक टेम्परेचर के बाद इसमें जब ओवरहीटिंग शुरू होती है तो ये जो मेटल का हिस्सा है वो फ्लिप हो जाता है अपोजिट साइड में, जिस पावर से यहाँ पे अंदर एक प्लास्टिक का ट्रिगर सा लगा है वो दब जाता है, और उसको दबने के बाद कनेक्शन यहाँ पे हो जाता है कट और हमारी केतली हो जाती है बंद। तो काफी सिंपल सा मैकेनिज्म है पर काफी यूनिक है। आप यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से काम करता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको फिर क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो इसे हमें बस कर देना है रिमूव और सारा का सारा प्रॉब्लम हमारा हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए फटाफट इसे कर लेते हैं रिमूव। ये देखिए रिमूव करते हैं, यहाँ पे सर्कल शेप में हमें ये कॉपर का प्लेट सा दिख रहा है, और यही है सारा कुछ सिस्टम, इसी के जरिए हमारी केतली होती है ऑटो कट। यहाँ पे एक प्लास्टिक का जो रॉड मैंने बताया था वो भी निकाल देते हैं, जिसके जरिए अंदर की बटन हो जाती है प्रेस। ये देखिए कुछ इस तरीके का है, रखते हैं एक साइड और दूसरा वाला भी हम निकाल लेते हैं। और ये निकालते टाइम उसे टूट गया है, पर इसकी कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं वापस इसे नहीं लगाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसे वापस भी लगा सकते हैं, अगर आपको फिर से चाहिए ऑटो कट सिस्टम तो आप इसको फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक के दोनों हैंडल मैंने निकाल दिए और अभी ये रेडी है, ऑटो कट सिस्टम यहाँ पे मैंने कर दिया है डिसेबल। तो अभी इसको फिर से उसी तरह इंस्टॉल कर देते हैं जैसे ये पहले था। दोस्तों मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सावधानी से इसको करिएगा क्योंकि यहाँ पे कई सारे वायर हैं और जगह की बहुत कमी है, और यहाँ पे ये बोल्ट भी आपको टाइट करना है केयरफुली। तो इसको फटाफट मैं करके आता हूँ वापस। यहाँ पे देखिए मैंने 3 बोल्ट लगा दिए हैं, बस इसे एक बार फिर से कन्फर्म कर लेते हैं कि ये टाइट है या नहीं। ओके, सारा कुछ हो गया है परफेक्ट, करते हैं इसे अब बंद। ये LED इंडिकेटर यहाँ पे होगा प्लग, और इसको यहाँ पे ठीक से अलाइन करके हमें करना है कनेक्ट। इधर आपको प्लास्टिक के 2 बॉर्डर दिखेंगे, इसके अंदर हमारा LED इंडिकेटर लाइट इंसर्ट होगा, तो ये बिल्कुल सही तरीके से अलाइन हो जाएगा। और हम वायर्स का भी ध्यान रखें क्योंकि वायर्स कई बार स्क्रू वाले पोजिशन पर दबते हैं, तो उसको देख के साइड करके आप स्क्रू को फटाफट टाइट कर दें। तो यहाँ पर मैं स्क्रू को कर देता हूँ टाइट, और इसके बाद हम होंगे रेडी। तो
तो अभी हो गया है स्क्रू टाइट और परफेक्टली ये हो गया है फिट। और यहाँ पे मैं चेक कर लूँ सारी की सारी चीज़ें सही तरीके से सेट हो गई हैं, तो सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। और अभी हमारा ये इलेक्ट्रिक केतली है रेडी सब कुछ कुक करने को, चाहे कुछ भी फ्राई करना हो या फिर कुछ भी, क्योंकि इसका ऑटो कट सिस्टम हमने कर दिया है डिसेबल परमानेंटली। तो जैसा कि देखा कितना आसान था इसे फिक्स करना और बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म था, पर बड़े अच्छे तरीके से काम भी करता है। पर मुझे नहीं चाहिए ये सिस्टम क्योंकि मुझे इसमें कुछ और चीज़ें कुक करनी होती हैं, कुछ चीज़ें फ्राई करनी होती हैं। अभी फ़िलहाल इसमें सारा कुछ मैं फ्राई कर सकता हूँ, उतना मज़ा तो नहीं आती जितना कढ़ाई में आती है, पर इसमें काम चल जाता है। एक छोटी सी चीज़ में इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वही कमाल का है। तो अभी ये मल्टी कुकर सच में मल्टी कुकर बन चुका है और इसमें हम सब कुछ बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इससे आपकी मदद हुई और आपने भी सक्सेसफुली अपने इलेक्ट्रिक केतली का ऑटो कट कर लिया है आप इस वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो को तो लाइक बिल्कुल दें, शेयर कर दें किसी और के साथ जिसकी हेल्प हो सके। कोई बैचलर लाइफ जी रहा है बेचारा, उसकी भी हेल्प हो जाए। कोई स्टूडेंट कहीं इलेक्ट्रिक केतली लेके स्ट्रगल कर रहा है, उसमें कुछ फ्राई नहीं कर पा रहा, तो उसकी भी मदद हो जाएगी। तो वीडियो को शेयर कर दें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें से ही और आने वाले कमाल के वीडियोस के लिए। तो अभी के लिए चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपको रखना अपना ख्याल। सी यू अगेन, बाय बाय।